नमस्ते व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे आप रिटेल में डिपार्टमेंट मैनेजर बन सकते हैं, या दोस्तों आप बोल सकते हैं टीम लीडर कैसे बन सकते हैं, या फिर सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं दोस्तों रिटेल के अंदर, या फिर दोस्तों हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल या रेस्टोरेंट लाइन में। जी हाँ दोस्तों, सभी में सिमिलरिटी सेम है क्योंकि ये टीम लीडर की पोजिशन है। तो जो क्रिटिकलिटी है, जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पर आपके अंदर लीडरशिप का स्किल होना चाहिए, वो सब कुछ सेम ही होने वाला है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। जो लोग नए हैं चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब से रिलेटेड दोस्तों आपको मेरे चैनल पर ऐसे क्वेश्चन आंसर्स और दोस्तों गाइडेंस, वैकेंसी सब कुछ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिटेल में हायरार्की क्या होती है। अगर आप डिपार्टमेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसके पहले आपको कौन कौन से पोजिशन देखने को मिलता है रिटेल के अंदर, चलिए वो एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं रिलायंस रिटेल का एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं। रिलायंस स्मार्ट में क्या होता है हायरार्की दोस्तों, चलिए आपको यहां पर बता देता हूं आपको। ठीक है, अगर आप डीमार्ट में जाएंगे, बिग बाजार में जाएंगे, या फिर किसी भी सुपरमार्केट में जाएंगे जैसे कि मोर है, तो इन सभी में ऑलमोस्ट सेम होता है हायरार्की। ठीक है दोस्तों, बस नाम अलग होता है पोस्ट का। जैसे कि कई जगह डिपार्टमेंट मैनेजर बोलते हैं और कई जगह फ्लोर मैनेजर भी बोलते हैं, यानी कि वो पूरे फ्लोर को मैनेज करते हैं या फिर पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर रिलायंस में देखते हैं कि क्या हायरार्की है। कुछ इसी तरह का कि आपको हर रिटेल में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला पोजीशन दोस्तों स्टार्टिंग होता है केटी से, जो कि एक ट्रेनी होता है। उसके 6 महीने बाद दोस्तों बन जाता है वो K1। ठीक है दोस्तों, K1 बन जाता है, और उसके 1 साल बाद बन जाता है K2, उसके भी 1 साल बाद बन जाता है K3। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप K3 बन जाते हैं, और K3 होता है रिलायंस के अंदर टीम लीडर का पोजीशन। ठीक है दोस्तों, और जो K3 होते हैं वो बेसिकली जो है कैश मैनेजमेंट करता है, डिपार्टमेंट मैनेजर को हेल्प करता है शिफ्ट चलाने में। इन अब्सेंस ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर K3 को ही शिफ्ट चलाना होता है। डिपार्टमेंट मैनेजर के ऊपर आता है असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, और असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के ऊपर आते हैं स्टोर मैनेजर, और स्टोर मैनेजर के ऊपर आते हैं क्लस्टर मैनेजर, जो कि पूरे सिटी का हेड होते हैं। उनके अंदर 10 से 12 स्टोर होते हैं। अगर छोटे स्टोर हैं, मीडियम साइज़ हैं, वॉल्यूम एज पर ऑपरेशंस क्या रिक्वायरमेंट है, कितना स्टाफिंग है, क्या कुछ है, कितना सेल है, सभी के हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है स्टेट हेड के द्वारा कि लाइक एक क्लस्टर के अंदर कितने आउटलेट्स होने चाहिए, कितने रिटेल के शॉप्स होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह की हायरार्की होती है। अगर आपको डिपार्टमेंट मैनेजर बनना है, तो अगर आप मान लीजिए कि 10th पास करके 18 ईयर्स एज है, आपने ज्वाइन कर लिया रिलायंस रिटेल, उसके बाद आपको कम से कम 2-3 पोजीशन आपको ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद आप बन सकते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर। ये तो हो गया दोस्तों इंटरनल ग्रोथ प्रोग्राम, यानी कि आप इंटरनली कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने रिटेल मैनेजमेंट नहीं किया होगा, जस्ट बेसिक से आपने रिटेल लाइन में जॉब चालू किया होगा, तो आपको यहां पर एक एक पोजीशन की ग्रोथ लेनी पड़ेगी। एक एक पोजीशन के ग्रोथ लेने के बाद आप डिपार्टमेंट मैनेजर बन जाएंगे। आपको डिपार्टमेंट मैनेजर बनने में कम से कम 3 से 5 साल का समय लग जाता है। रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स करके डिपार्टमेंट मैनेजर बनना तो बहुत ही आसान है। कैंपसिंग होती है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, कॉलेज में डायरेक्ट जाते हैं एचआर रिटेल कंपनी से, और डायरेक्ट वहां पर इंटरव्यू लेकर हायर कर लेते हैं एज ए डिपार्टमेंट मैनेजर, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे किए होते हैं, वो भी रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर 3 साल उनकी पढ़ाई होती है या फिर डिप्लोमा होता है 3 साल का। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि आप इंटरनली आप ग्रोथ हो रहे, तो आप कैसे करेंगे? आपको काम आता है, सारा काम आपको आता है A to Z, आपको बेसिक्स आती है, सब कुछ आती है। लेकिन दोस्तों एज ए डिपार्टमेंट मैनेजर कैसे वो आपको कंसीडर करे कि आप डिपार्टमेंट मैनेजर बन सकते हो? जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ आपके लीडरशिप स्किल पे डिपेंड है। आप कितना मैच्योरिटी दिखाते हैं, कितना अपने काम को सीरियसली लेते हैं, आपको जो भी काम सीनियर से दिया जाता है क्या आप वो टाइम पे कर पाते हैं, ये सारे चीज़ें आपकी डेडिकेशन को शो करता है, और यही आपको आगे लेकर जाता है। कई बार आप सोचते हैं कि आप ऐसे ही ग्रो कर जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि आपके जो सीनियर्स होते हैं वो हमेशा आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। भले ही आपका उनके साथ पर्सनल अच्छा रिलेशन हो, लेकिन जब ग्रो करने की बारी आती है तो आपको रिकमेंड कई बार करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो आपको वो आगे रिकमेंड करेंगे कि नेक्स्ट पोजिशन के लिए आप रेडी हो। आप ट्रेनिंग देने के बाद आप
डिपार्टमेंट मैनेजर बन सकते हो, जिसमें कि आपका सैलरी ग्रोथ और पोजीशन दोनों ग्रोथ देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका मैच्योरिटी नहीं होगा, आप काम को सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, सबसे पहली बात एज ए लीडर, आप अगर लीडर बनना चाहते हैं तो आप जो भी चीज़ें आप एज ए लीडर करते हैं, एक स्टाफ करता है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एज ए लीडर क्या होता है दोस्तों, लीड ए टीम बाय एग्जाम्पल। अगर आपको किसी से काम करवाना है तो आपको सबसे पहले आपको आगे आना होगा और आपको उन चीज़ों को डिसिप्लिन से, बारीकी से, आपको वो चीज़ें प्रेम से करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आपके टीम करे और आप ही उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो ये सोच लीजिए कि आप कभी भी अपनी टीम को साथ लेकर नहीं चल पाएंगे और आप डिपार्टमेंट मैनेजर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी टीम आपके बात नहीं मान रहा है, आप उनसे काम नहीं करवा पा रहे हैं, आपका सीनियर जो काम असाइन किया है आप उसको टाइम पर कंप्लीट करके नहीं दे पा रहे हैं, तो जो आपके सीनियर्स होते हैं उनके आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, तो आपको कैसे वो रिकमेंड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मैच्योरिटी जिस दिन आपके अंदर आ गया कि आपको जो भी काम दिया जा रहा है मैनेजमेंट की ओर से, चाहे वो आपको ऑब्जर्व करे या ना करे, चाहे वो आपको लाइक गाइड करे या ना करे, आप अपने काम को 100% कर रहे हैं और एक मैच्योरिटी के साथ कर रहे हैं, टीम मेम्बर के साथ प्रोफेशनल बिहेवियर कर रहे हैं, उनके साथ भले ही खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब काम की बारी आती है तो बिल्कुल आपको 100% उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में करना है। अगर ये चीज़ें आप लोग फॉलो करेंगे तो आप भी नेक्स्ट पोजीशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो, अगर आप टीम लीडर बनना चाहते हो या फिर डिपार्टमेंट मैनेजर बनना चाहते हो या फिर दोस्तों ASM बनना चाहते हो या फिर स्टोर मैनेजर बनना चाहते हो, इन सभी पोजीशन की ग्रोथ दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ पर होती है कि आप अपने काम को कितना सीरियसली ले रहे हो और आप अपना जो करेंट परफॉर्मेंस है, करेंट जॉब रोल को आप कितना जस्टिफाई कर रहे हो, कितने अच्छे से, कितने लाइक रिजल्ट वाइज आप अपने काम को कर रहे हो, कितने ऑर्गेनाइज में काम कर रहे हो और क्या आप उसमें अच्छा आउटपुट दे पा रहे हो। अगर आप ये चीज़ें समझ लेंगे जिस दिन दोस्तों, उस दिन आप नेक्स्ट पोजीशन के लिए रिकमेंड किए जा सकते हैं अपने सीनियर के द्वारा या फिर दोस्तों अपने ASM या फिर स्टोर मैनेजर के द्वारा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों जिन लोगों को जॉब की नीड है या फिर दोस्तों रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड इंटरेस्टेड रखते हैं, उन लोगों को ये वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।